नमस्कार दोस्तों, मैं नितेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। आज हम सीखने वाले हैं कि आरटी के माध्यम से जो बच्चे आवंटित हुए हैं आपके स्कूल में उनका वेरिफिकेशन मोबाइल के माध्यम से कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल में जाना है प्ले स्टोर में। ये देखिए जैसा प्ले स्टोर दिख रहा है, इस पर प्ले स्टोर पर क्लिक करने पर आप अपने सर्च वाले ऑप्शन पर लिख लीजिए RTMP, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ये सर्च का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर लिख लीजिए RTEMP। तो इस तरह का ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पर एक ऐप आ जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिए जैसा यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, इंस्टॉल होने के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, इंस्टॉल होते ही फिर हम आगे की प्रोसेस करेंगे। थोड़ा सा वेट करना होगा दोस्तों। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि जिन्हें भी प्रॉब्लम हो वो इस वीडियो के माध्यम से अपने बच्चों को वेरीफाई कर पाएँ। थोड़ा वक्त लगता है इंस्टॉल होने में ऐप, तब तक वेट करना होगा। चलिए, ऐप हमारा इंस्टॉल हो गया है, अब बस हमें इसे ओपन करना है और अपने लॉगिन, जो आपका PSID होती है उससे आपको इसे लॉगिन करना है और पासवर्ड डालना है। ये देखिए ओपन किया मैंने, यहाँ पर ओपन करने के बाद ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ जाइए, अलाउ कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए, अलाउ। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा लॉक का, ये लॉक वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया तो मेरा अपने आप पासवर्ड और वो ले लेगा ऐप। अब देखिए इस तरह से ये आ जाएगा आपका। अब इस तरह का जो ऑप्शन आ जाएगा उसमें लिखा है शाला हेतु सेवाएं, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर लिखा है एडमिशन दर्ज करें, यहाँ पर एडमिशन दर्ज करें में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये देखिए नीचे एक ऑप्शन दिया है, स्कैन करके एक ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, स्कैन करके जो ऑप्शन दिया है देखिए रेड कलर का, जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है इसको क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर जो फॉर्म होगा आपका, फॉर्म के ऊपर आपका बारकोड बना होगा। ठीक है, बारकोड जो बना होगा, बारकोड को आप स्कैन कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ये बना हुआ है, इस जब आवंटन लेटर आप निकालेंगे तो उस पर ये बारकोड बना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर तो ऑप्शन आ रहा है यू आर नॉट अलाउड टू रिपोर्ट एडमिशन ऑफ दिस स्टूडेंट, क्योंकि मैंने आवंटन पत्र निकाला नहीं है। जब भी आप बच्चे का आवंटन पत्र निकालेंगे और इस तरह से स्कैन करेंगे तो बच्चे की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और नीचे कैमरे का ऑप्शन आएगा, उस कैमरे को ऑन कर लीजिए। क्लिक करेंगे तो कैमरा ऑन हो जाएगा और बच्चे को सामने खड़ा कर लीजिए, एक फ़ोटो लेके वहाँ पर क्लिक कर दीजिए और एक ऑप्शन होगा फॉरवर्ड करने का, वो फॉरवर्ड मतलब एक ऑप्शन होगा उसको आगे बढ़ाने का, वो बढ़ा दीजिए और जैसे आपको क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा कि बच्चा आपके स्कूल में दर्ज हो गया है। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं कि आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा बच्चा आपके स्कूल में, कौन कौन से बच्चे दर्ज हुए हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना होगा, ये जो आपका लॉक, आप अपने सिस्टम पर भी बैठ सकते हैं। ये देखिए सिस्टम पर लिखा है rtportal.mp.gov.in.lot, ये वाला जो rtportal.mp.gov.in है इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद जब आप इस पर लॉगिन कर देंगे, जैसे देखिए मैंने लॉगिन किया तो मेरा PS नंबर आ रहा है PS 46,
मेरा यहाँ पर आपको जाना है दोस्तों, ये जो दिख रहा है आपको आरटी पोर्टल, यदि आप अपना कंप्यूटर यूज़ करते हैं डेस्कटॉप या लैपटॉप तो इस पर यहाँ पे चले जाइए rtportal.mp.gov.in पर क्लिक करने पर इस तरह का ये खुल जाएगा मेन्यू। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया होगा आवंटन, ठीक है। यहाँ पर देखिए अपने स्कूल, यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है अपने अपने स्कूल के आवंटन की जानकारी देखें, ठीक है। तो यहाँ क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो अपने स्कूल के आवंटन की जानकारी देखें, ये देखें। तो इस तरह से देखिए मेरे स्कूल में जितने भी बच्चे आए हैं, ये देखिए 10 बच्चे, इनका 10 बच्चे दिख रहे हैं मेरे स्कूल के, 10 बच्चों का देखिए आवंटन हो गया है। और ये देखिए उनके लास्ट में मोबाइल नंबर भी दिए रहते हैं, यदि कोई बच्चा आपके पहचान का नहीं है और आप उनको वेरीफाई करना चाहते हैं, अपने स्कूल में दर्ज करना चाहते हैं, तो ये मोबाइल नंबर पे कॉल करके उन्हें बुला सकते हैं अपने स्कूल और आप उनका एडमिशन कन्फर्म कर सकते हैं ऐप के माध्यम से, ठीक है। आपको ऐप कैसे डाउनलोड करना है वो तो मैंने बता दिया, यदि आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर लिंक दी गई है, उसके माध्यम से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, गुड डे, गुड लक, टेक केयर।